अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं इफ्ज़ा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की जिले भर के पुलिस अफसरान से कराई मीटिंग। मीटिंग में एसडीपीओज, एसएचओज, इंचार्ज सीआईए और दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। दौरान मीटिंग डीपीओ का जराइम की शरह और पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायजा। मुजरिमान इश्तिहारी और अदालती मफरूरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाएं। टारगेट अफेंडर्स टीओएस के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करें। डीपीओ खानेवाल मुनशियात फरोशों के खिलाफ जरारी क्रैकडाउन को मजीद तेज़ करें। स्ट्रीट क्राइम और व्हीकल चोरी की रोकथाम के लिए मुश्तरक हिकमत अमली से खसूसी इकदाम किए जाएँ। थानों में गैर कानूनी हिरासत हरगिज काबिल कबूल नहीं। पेंडिंग दरख्वास्तों को बर वक्त मेरिट पर यकसू करें। आम आदमी तक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना मेरा आज़्म है। डीपीओ के एसएचओज को तकमील रिकॉर्ड बारे सख्त अहकाम जारी। तर्जुमान खानेवाल पुलिस। शेखपुरा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का ग्रीन बेल्ट की चेकिंग के लिए मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा। सीओ मलिक मंशा ने डिप्टी कमिश्नर को ग्रीन बेल्ट के हिफाजती इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने ग्रीन बेल्ट की हिफाजत के लिए किए जाने वाले इकदाम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने शाहराहों पर सफाई सुथराई के इंतजाम यकीनी बनाने की भी हिदायत की। ग्रीन बेल्ट से शाहराहों की खूबसूरती बढ़ती है और पौधे माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सकता है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक सड़कों पर सफाई और पौधे लगा रहे हैं। एसपी सदर आसिफ अमीन अवान का सदर डिवीज़न के मुख्तलिफ थानों का दौरा। एसपी सदर ने थाना हंजरवाल, सब्जाजार और मुस्तफ़ा टाउन का दौरा किया। एसपी सदर ने थाने के रिकॉर्ड और अहलकारान और अफसरान की हाजिरी को चेक किया। फ्रंट डेस्क पर मौजूद अमले और पेंडिंग दरख्वास्तों को चेक किया। एसएचओज और मुहर्रान को थाने की सफाई से मुतालिक हिदायत जारी की। अवाम उन्नास को थाने की सतह पर इंसाफ होता नजर आना चाहिए। करप्शन और बद अखलाकी करने वालों की महकमे में कोई जगह नहीं। मुहर्रान रिकॉर्ड और बेट बॉक्स को मुकम्मल रखें। क्रीम बरखिलाफ प्रॉपर्टी के मुकदमात का बिला ताखीर इंदराज किया जाए। खल्के खुदा की खिदमत करके दुनिया और आखरत दोनों को संवारा जा सकता है। एसपी सदर आसिफ अमीन अवान। जनाब इमरान कुरैशी साहब का रतोडेरो और वारिस टनो माछी थाने के हदूद में कबायली झगड़ों वाले इलाकों का दौरा। जनाब एसएसपी साहब लाड़काना ने मस्कूरा इलाकों में मौजूद पुलिस अफसरान से ताज़ा सूरत हाल बाबत तफसीलात हासिल की और हर हाल में अमन व अमान कायम रखने के अहकाम जारी किए। मस्कूरा इलाकों में मुआयने के वक्त जनाब एसएसपी साहब लाड़काना ने फराइज निभाने वाले पुलिस जवानों से बातचीत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। पुलिस अफसरान और जवानों ने मुखातिब होते हुए जनाब एसएसपी साहब लाड़काना ने कहा कि अमन व अमान में खलल डालने वाले अनासिरों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। वाज़े रहे कि थाना वारिस टन और माछी के हदूद गांव पावड़ो जुनेजो में पुलिस कैंप कायम किए जा चुके हैं। मस्कूरा इलाके में बख्तरबंद गाड़ियां, पुलिस मोबाइल्स और जदीद असलहे से लेस पुलिस अफसरान और जवानान वायरलेस बेस सेट समेत मौजूद हैं। सेंट्रल औरंगज़ई मुश्ती मेला डीएचक्यू अस्पताल में ज़िला इंतजामिया की जानिब से माजूर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया था। खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर लॉयर औरंगज़ई नवीदुल्ला शाह, एमपीए सैयद गज़न जमाल, एसआरएसपी मुनीब खान, रईस खान, एमएसटीएचक्यू डॉक्टर असगर शाह, सोशल वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल हादी, तमाम महकमों के अफसरान और माजूर अफराद ने शिरकत की। खुली कचहरी में माजूर अफराद ने मसाइल बयान करते हुए कहा कि माजूर अफराद को माली इमदाद के साथ साथ रोज़गार और दीगर सहूलियात फराहम की जाएँ। माजूर अफराद को सरकारी नौकरियों में खुसूसी कोटा दिया जाए। खुली कचहरी से खिताब करते हुए एमपीए सैयद गज़न जमाल, एसी नवीदुल्ला शाह, सोशल वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल हादी, एसआरएसपी के मुनीब खान ने कहा कि माजूर अफराद मुआशरे का हम हिस्सा हैं। हमें चाहिए कि ये मुआशरे पर बोझ ना हो। उनको सहूलियात देने के लिए सोशल वेलफेयर की जानिब से व्हील चेयर्स, छड़ी और दीगर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। एसआरएसपी और इस्लामिक रिलीफ के तआवुन से माजूर अफराद को रोज़गार की फराहमी के लिए खुसूसी ट्रेनिंग और रोज़गार के मौके देने के लिए इमदाद की जा रही है। इससे बहुत से माजूर अफराद उसके अहल होंगे कि अपने ख़ानदान की देखभाल कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से भी माजूर अफराद को अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया गया है। औरंगज़ई में माजूर अफराद की तालीम के लिए स्पेशल स्कूल कायम कर रहे हैं और ज़कात में भी माजूर अफराद का खुसूसी कोटा रखा गया है। माजूरों के लिए हमने ये तीसरी खुली कचहरी है जो औरंगज़ई में हमने रखी है। ये मेरे ख्याल से और किसी ज़िला में इस तरह के प्रोग्राम नहीं हुए जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, और ये इन लोगों का हक है। क्योंकि अमूमन जब हम मुश्किलात की बात करते हैं तो आवाम में बहुत से लोगों की बहुत से मुश्किलात हैं,
लेकिन जो माजूर हैं हमारे सोसाइटी के, उनके मुश्किलात बाकियों के नस्बत ज़्यादा हैं, तो इनको एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। और इन जैसे खुली कचहरी प्रोग्राम्स के थ्रू हम इनको ये तसल्ली दे सकते हैं कि इंशाल्लाह आप हकूमत की तरफ से, आवाम की तरफ से आपकी जो है, जो आपके अटेंशन की ज़रूरत है वो हमारे नज़र में है, वो अटेंशन हम इंशाल्लाह देंगे भी। उसके साथ साथ जो यहाँ पर हमने आज डिस्ट्रीब्यूशन भी की, उसमें व्हीलचेयर्स, उसमें जो है मतलब ये जो वॉकिंग स्टिक्स वगैरह हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का जो हमने सिलसिला एक शुरू किया हुआ है, उसमें हुकूमती तरफ से भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। फिर हमारे जो डोनर्स हैं वो हमें सपोर्ट इसमें दे रहे हैं, चाहे वो SRSP हो, चाहे वो इस्लामिक रिलीफ हो, उनके थ्रू भी हम ट्रेनिंग्स में हम उन्हें कह रहे हैं कि आप तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा माजूर जो हमारी सोसाइटी है उनको दें। उसके साथ ज़कात के अंदर हमने प्रायोरिटी लिस्ट जो बनाई है उनमें ये टॉप प्रायोरिटी के अंदर ये वाली कैटेगरी आती है, तो इंशाल्लाह ताला इनको हम उस ज़रिए से फंड्स भी देंगे और इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करेंगे ताकि आने वाले आमदन भी वो कर सकें। इसके साथ साथ हम यहाँ पर इनके लिए स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स का बंदोबस्त भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक कुरेज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं उस वहाँ पर, और दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रल के एरिया में हम उसको कायम करें ताकि अपर से भी लोग आ सकें, लोअर से भी लोग आ सकें, और जो स्पेशल नीड्स प्रोग्राम्स होते हैं वो हम इन स्कूल के जरिए इन बच्चों। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जफर सिद्दीकी भाई और अरकान कमेटी, टाउन इंचार्ज खालिद कुरैशी भाई, MNA सलाहुद्दीन भाई, MPA राशिद खलजी भाई, वार्ड 6 के जिम्मेदारान जमान शेख भाई, नवीद अब्बासी भाई और कारकुनान के हमरा वार्ड 6 कैंट काउंसलर शाहिद अजीज़ की निगरानी में और आवाम के साथ 5 घंटे एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद मेहनत रंग लाई। इब्राहिम वाला न्यू 200 KV का कोपर में ट्रांसफार्मर रख दिया गया। हम डिस्ट्रिक्ट, टाउन और वार्ड 6 के काउंसलर, वार्ड 6 के जिम्मेदारान, कारकुनान, हमदर्द, सपोर्टर बिलखसूस एहतजाज में आवाम के शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह जो रह गए ट्रांसफार्मर वो भी MQM पाकिस्तान के काविशों से ही लगेंगे। काम MQM पाकिस्तान ही आती है और MQM पाकिस्तान ही आवाम में रहकर और उनके नुमाइंदे शामिल होकर हर मसला हल करती है और करती रहेगी हमेशा। GA MQM पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा GA MQM पाकिस्तान। वार्ड 6 के काउंसलर शाहिद अजीज़ खास मेहनत का नतीजा है, जो अपनी वार्ड 6 की आवाम को अकेला नहीं छोड़ा, जिम्मेदारान के साथ हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई, अशिया खुरदोश की कीमतों में इजाफे, नहरी पानी की अदम फराहमी के खिलाफ रोजान पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे 47 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजनपुर मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई, अशिया खुरदोश की कीमतों में इजाफे, नहरी पानी की अदम फराहमी के खिलाफ रुझान पर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुन और शहरियों ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए शोएब मजारी का कहना था कि महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है, किसानों की हालत ये है कि नहरी पानी की अदम फरहमी पर माटवा के किसान जरिए माश के लिए हिजरत करने पर मजबूर हैं और नहरी पानी जो रुझान के किसानों का हक है, उनकी हक तलफी बहत्तर अफराद के आगे से नहरी पानी चोरी करके गरीब किसानों को ज़मीन सैराब करने तो दरकुनार उनको पीने का पानी मुयस्सर नहीं, क्योंकि माटवा पर ज़मीन जेर ज़मीन पानी कड़वा है। ज़मींदारों ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, आबपाशी सरदार मोहसिन लिगारी, डिप्टी कमिश्नर राजमपुर से मुतालबा किया है कि रुझान को नहरी पानी फराहम करे। अगर किसानों को नहरी पानी फराहम ना किया गया तो हम इंडस हाईवे ब्लॉक करके धरना देंगे, चाहे हमें लाहौर इस्लामाबाद क्यों ना धरना देना पड़ा, हम धरना देंगे। जी बहुत शुक्रिया राजनपुर से, हमारे 47 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सलीम हमें अपडेट कर रहे थे। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।